गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेसन, पेज नंबर 87, सिक्स्थ लेसन, मैं तेरा गुणनखंड, गुणज तू मेरा। चूहा और बिल्ली, यहाँ पर एक बिल्ली और एक चूहा दिखाया है जिसमें कुछ संख्याएं हैं, वो सीढ़ियों में लिखी हुई हैं। देखते हैं क्या है। भूखी बिल्ली कुंजन चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रही है। कुंजन अभी 14 पर है और एक बार में 2 खाने कूद सकता है। बिल्ली 3 पर है, वह एक बार में 3 खाने कूद सकती है। अगर चूहा 28 पर पहुंच जाए तो वह बिल में छिप सकता है। पता लगाओ कि क्या चूहा बच पाएगा। देखो क्या है इसमें, जो कुंजन चूहा है वो 14 पर है और एक बार में 2 खाने कूद सकता है, और जो बिल्ली है वो 3 पर है और एक बार में 3 खाने कूदती है। तो हमें ये देखना है कि इससे आगे 3-3 गिनेंगे और इससे आगे 2-2 गिनेंगे, ये कहाँ पर मिलते हैं। और 28 पर इसका बिल है, यहाँ पर पहुँच जान, इसके पहुँचने से पहले बिल्ली पहुँचती है या चूहा पहले पहुँचता है। जब इन दोनों संख्याओं में जो संख्या दोनों में आएगी, जो संख्या दोनों से भाग हो जाएगी 3-3 से और 2-2 से, उसमें क्या होगा, उस पर पकड़ सकती है। अगर चूहा पहले पहुंच गया 28 पर तो बच जाएगा। वे खाने, इसी में कुछ क्वेश्चन है, जिन पर चूहा कूदा, वे खाने जिन पर बिल्ली कूदी, वे खाने जिन पर बिल्ली और चूहा दोनों कूदे, क्या चूहा बच सकता है। अगर बिल्ली 5 से शुरू करे, एक बार में 5 खाने कूदती है, और चूहा 8 से शुरू करे, एक बार में 4 खाने कूदता है, तो क्या चूहा बच पाएगा। इसमें ये दिया है कि जैसे अगर 5 से शुरू करे, अगर बिल्ली है वो यहाँ पर हो 5 पर और चूहा हो यहाँ 8 पर, और बिल्ली 5 खाने कूदे और चूहा 4 खाने, तो यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या होगी जहाँ पर, जिस संख्या पर दोनों कूदेंगे और चूहा बचेगा या नहीं बचेगा, ये को देखना है। इसमें निकालेंगे कि बच जाएगा या नहीं बचेगा। ओके, इसमें जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, और गुणनखंड क्या है, किसी संख्या को भाग करने वाली संख्या। जैसे हमारे पास संख्या है 28, तो इसको कौन से संख्याएं भाग कर सकती हैं। सबसे पहले 1 से भाग हो सकती है, 1 से भाग करेंगे उत्तर 28 आएगा, 2 से भाग हो सकती है, 2 से भाग करेंगे उत्तर 14 आएगा, 3 से भाग नहीं होती, 4 से भाग हो सकती है, 4 से भाग करेंगे उत्तर 7 आएगा, 5 से नहीं होती, 6 से नहीं होती, 7 से होती है, 728, 7 से भाग करेंगे उत्तर 4 आएगा, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से भी नहीं, उसके बाद 14 से भाग होती है और उसके बाद 28 से। तो यहाँ पर इस संख्या 28 को भाग करने वाली जो जो संख्याएं हैं वो इसके क्या हैं, गुणनखंड हैं। 1, 2, 4 ये क्या हुए, इसके गुणनखंड हो गए। और 28 क्या हो गया, उन संख्याओं का गुणज हो गया, चाहे उसमें 1 है, चाहे उसमें 2 है, चाहे उसमें 7 है या 14 है, तो जो वो संख्याएं हैं जो इसके गुणनखंड हैं उनके लिए ये संख्या 28 क्या हो गया, गुणज हो गया। तो इसी तरह आपको ये क्वेश्चन हल करने हैं, 4 ये दिए हैं और ये दिए हैं इस तरह, और आपको 11 से लेकर 15 तक जो 5 संख्याएं हैं उन संख्याओं के गुणनखंड और गुणज, गुणनखंड कम होंगे, गुणज ज़्यादा होंगे। गुणज आप केवल 5 लिखेंगे और गुणनखंड जितने बनते हैं उतने लिखेंगे। ओके।